उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मां के पास सो रही 6 महीने की बच्ची को गुलदार उठा ले गया और उसे अपना निवाला बना डाला। पुलिस और वन विभाग की टीम ने जंगल में मांस के टुकड़े बरामद किए हैं। घटना बढ़ापुर थाना क्षेत्र के नूरपुर अरब की है। बता दें कि गांव नूरपुर अरब में अपने पिता के घर आई हुई थी और रात को बेटी सिदरा को साथ लेकर घर के आंगन में सो रही थी। देर रात जब फिरोजा गहरी नींद से जगी तो मासूम सिदरा चारपाई से गायब थी। फिरोजा और उसके पिता महबूब ने रात भर मासूम की तलाश की लेकिन वो नहीं मिली। काफी तलाश करने पर गुलदार के पद चिन्ह मिले। इस पर आशंका तेज हो गई कि गुलदार उसे उठाकर ले गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने आनंद फानंद में वन विभाग को इसकी सूचना दी। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तलाश की गई तो कुछ मांस के टुकड़े मिले। वन विभाग की टीम और परिजनों का कहना है कि मासूम सिदरा को गुलदार उठाकर ले गया और उसे अपना निवाला बना लिया। अभी हमको रेंज ऑफिसर द्वारा सूचना मिली थी कि रात में जो नूरपुर अरब गांव है उसमें श्री मोहम्मद जी के घर के सामने आंगन बाहर उनके बच्चे सो रहे थे। उनके साथ एक छोटी बच्ची भी थी 6 माह की, तो उसको गुलदार रात में उठा ले गया। जब मौके का निरीक्षण किया गया तो मौके पर काफ़ी खोजने पर उसका पूरा शरीर तो नहीं मिल सका दुर्भाग्यवश, लेकिन मौके पर गुलदार के पग मार्क्स मिले हुए हैं और वहाँ पे खून के कुछ छींटे पड़े हुए हैं, जिससे लग रहा है कि ये गुलदार द्वारा इसका हुआ ऐसा संभवतः ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी सरकारी सहायता है उसको दिलाने का हम पूरा वो करेंगे और यहाँ पे कैमरा टेप लगवा दिया जा रहा है जिससे लोकेट हो सके कौन सा जानवर है और इसका मूवमेंट क्या है, उस हिसाब से आगे कार्रवाई किया जा सके। साथ ही हम यहाँ ग्रामीणों से और अपने भाइयों से यही अपील करेंगे कि इसमें थोड़ा सजगता बरतते हैं, क्योंकि जैसा मौका देखने पर लग रहा है कि उस गुलदार ये मादा गुलदार है और साथ में उसका बच्चा भी है, तो जब जो मादा गुलदार होती है और बच्चा साथ में होता है तो थोड़ा जानवरों को जानवर थोड़ा ज़्यादा चांसेस होता है और हमला करने के उसमें रहता है। इसलिए मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि बाहर खुले में कोई न सोए। यहाँ मार्केट भी पास में है, दुकानें हमको दिखाई पड़ रही, बाहर अक्सर लोग दुकानों के बाहर सो जाते हैं, तो ऐसा इस समय अभी न करें जब तक उस जानवर का यहाँ पे आना जाना है। और बाकी खुले में न जाएं अभी और अकेले न जाएं, लोगों के साथ ही जाएं, छोटे बच्चों को अकेले खुले में आसपास खेतों के आसपास घूमने न। इस वारदात के बाद गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग के अफसरों से गुलदार को पकड़ने की गुहार लगाई है। वहीं परिजनों का कहना है कि गुलदार कब घर में आया किसी को पता तक नहीं चला। बच्चे की रोने की आवाज भी नहीं सुनाई दी। इस घटना के बाद गांव में डर का माहौल है, तो वहीं वन विभाग ने लोगों से अपील की है फिलहाल कुछ दिन खुले में न सोएं और अकेले बच्चों को न छोड़ें। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिजनौर से गौरव वर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।